जीव रे सदगुरु गुरु नम श्री सरस्वती विश्व दर्पण दृश्यमान नगरी पुण्यम निजाम पश्यन्नात्मनि माया भगिनिमोदभूतम् यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमोदम् श्रीदक्षिणामूर्तये स्वच्छं किंचन चिच्चमत्कृतिघनं विश्वार्पणं दर्पणं स्वच्छंदं विश्वार्पणं पद्मचित्रं दिक्कालार्थ विकास हास सुषमा विश्वक्रमा विक्रमा वंदन्ते सकला कला अवितल यस्मिन् जगत् वश्यः मैं अपने एवं आपत्ति भारतीय संस्कृति एवं धर्म हमारी धरोहर है। हमें उसकी रक्षा ही नहीं बड़े उसकी बड़े एवं काम करना है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए माता जी से कुछ जिज्ञासाओं का समाधान प्रश्नमाला का प्रथम प्रश्न है। जब प्रश्न परिभाषा से ही प्रारंभ किया जाना उचित होगा, अतः प्रथम प्रश्न इस प्रकार है। संस्कृति की भारतीय विषय से परिभाषा करते हुए महाराज जी हमें भारतीय संस्कृति की मौलिक विशेषताएं बताने की कृपा करें। संस्कृति ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति व्याकरण के रीति से ऐसे होती है कि कृति कृति माने जो कुछ हम लोग करते हैं, और सम का अर्थ है संवारना, किसी भी वस्तु को संवारने के लिए जो क्रिया होती है या कृति को ही संवारने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको संस्कृति कहते हैं। भूषण अर्थ में सम और परि और उप उपसर्ग लगने पर बीच में सा आ जाता है। परिष्कार संस्कार उपस्कार कम परिभ्याम और उपाच्य व्याकरण के सूत्र। इसका अर्थ है किसी भी वस्तु को संवारने की रीति। अब आप इसको ऐसे हैं कि एक सज्जन पन्ना के पास अपने खेत में कुछ खोद रहे थे खेती के लिए। उसमें उनको एक हरा हरा पत्थर मिला तो उन्हें लगा कि ये पत्थर तो बहुत बढ़िया है, सुंदर है। उसको लेकर जौहरी के पास गए। जौहरी ने कहा अच्छा है, 20 रुपया उनको दे दिया। पहले मिट्टी लगी हुई थी उसमें, फिर मिट्टी साफ की गई और वो बेडौल था उसको सुडौल बनाया गया। उसको पॉलिश करके बहुत चमकीला बनाया गया और वो आभूषण में
धारण करने योग्य बना दिया गया, उसके आभूषण बन गए। तो 20 रुपए के पन्ने की कीमत 20,000 हुई, फिर 2,00,000 हो गई। वो हमको रामेश्वर जौहरी, उनका नाम था, काशी के नीची बाग क्षेत्र में हमको बहुत बड़ा व्यापार था, अब से 30-35 वर्ष पहले की बात है। उन्होंने कहा, इसी को कहते हैं संस्कार। ये संस्कार केवल पदार्थों का ही नहीं होता है, मनुष्यों का भी होता है। तो श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का जो संस्कार होता है उसमें अनेक प्रकार के विकार लगे हुए होते हैं। कुछ पुरानी परंपरा से आए हुए होते हैं, कुछ नाना नानी की ओर से, कुछ दादा दादी की ओर से, कुछ माँ बाप की ओर से, कुछ पूर्व जन्म से, कुछ गर्भावस्था में जो माता के विचार, खान पान, उसका रोना हंसना होता है, उससे आते हैं। कुछ बीज में होते हैं, कुछ गर्भ में होते हैं, फिर जन्म लेने के बाद भी खाना पीना संग साथ, इनसे मनुष्य का जीवन बनता है। तो हमारे संस्कार की प्रणाली ये है कि चाहे पूर्व जन्म से आया हो, चाहे नाना नानी दादा दादी माता पिता से आया हो, उसको दूर करने के लिए धार्मिक संस्कार करने चाहिए। वैदिकम गार्भिकम चैना संस्कारेण व्यपोहति। संस्कार के द्वारा बीजगत दोष और गर्भगत दोषों का निवारण किया जाता है। अपने जीवन में जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए, और जो गुण अपने जीवन में नहीं हैं उनको लाने के लिए, और जिस चीज की बिल्कुल कमी है अपने जीवन में उसको पूरी करने के लिए, माने दोषापनयन गुणाधान और हीनांग पूर्ति, ये संस्कार के 3 रूप होते हैं। संस्कृति वो हमारी प्रत्येक क्रिया के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे आपके बाल उगते हैं, बेडौल होते हैं, कहीं कुछ तो नाई काट पीट के उनका दोष निकाल देता है। उनमें रूखापन हो तो उनको चिकना कर लिया जाता है, और यदि कहीं बाल हो ही नहीं तो उनका आरोपण कर लिया जाता है। तो बाल में जो बेडौलपना है उसको दूर करना, ये भी संस्कार है, और रूखे को चिकना बनाना ये भी संस्कार है, और जहां है ही नहीं वहां उनको जोड़ना भी संस्कार है। तो इस प्रकार हमारे जीवन से दोषों को निकालने के लिए, गुणों को लाने के लिए, जो नहीं है उसको पूर्ण करने के लिए संस्कार की अपेक्षा होती है। अब इस बात को आप बढ़ावें तो जो मनुष्य का जीवन है पूरी मानवता, संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए संस्कार, फिर स्थान के भेद से, भौगोलिक भेद से संस्कार, यूरोपीय संस्कार, एशियाई संस्कार, भारतीय संस्कार,
फिर दक्षिण भारतीय संस्कार, उत्तर भारतीय संस्कार, इसके साथ युग भेद से संस्कार, जाति भेद से संस्कार, संप्रदाय भेद से संस्कार, और कुछ तो अपने यहाँ ऐसे संस्कार हैं जो खगोलिक दृष्टि से भी होते हैं। किस व्यक्ति के साथ किस ग्रह का अधिक संबंध जुड़ता है तो उसके ऊपर उस ग्रह का प्रभाव पड़े कि नहीं पड़े, इसके लिए संस्कार। तो संस्कारों की अनेक पद्धति है और उनकी जो जिस जाति में, संप्रदाय में, प्रदेश में, परंपरा में जैसी प्रथा है उसके अनुसार मनुष्य के शरीर को, उसके चरित्र को, उसकी विद्या को, उसकी बुद्धि को और उसके जीवन की प्रणाली को संवारने के लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उन सबको संस्कृति कहते हैं। और इनका अत्यंत उदार रूप में और व्यक्तिगत रूप में भी हमारी प्राचीन संस्कृति जिसको कहते हैं सनातन धर्म, जिसको बोल रहे हैं, उसमें इनका वर्णन है। कहीं विधि के द्वारा है, कहीं निषेध के द्वारा है, कहीं उपेक्षा के द्वारा है, इसके भी अनेक भेद होते हैं। जैसे आपके घर में चावल नहीं है तो खेती करके पैदा कर लीजिए, यदि खेती नहीं कर सकते तो दूसरे के यहाँ पैदा किया हुआ प्राप्त कर लीजिए, यदि उसमें कुछ गंदगी है तो उसको साफ कर दीजिए, कच्चा है तो उसको पका लीजिए। तो बना लेना, पा लेना, स्वच्छ कर लेना और परिपक्व कर लेना, ये सभी संस्कृति के, संस्कार के भेद हैं। और ये केवल चावल के लिए ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपने समग्र जीवन के लिए कह रहा हूँ। इसलिए संस्कृति का यह रूप किस दृष्टिकोण से है, यदि आप मनन करके पहले उसका जो समर्थक दृष्टिकोण है उसको समझ नहीं लेंगे और उसको हंसी खेल की वस्तु समझकर उड़ा देंगे तो वो दृष्टि आपके लिए उपकारक नहीं होगी, हानिकारक हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक क्रिया में, परंपरा में, सनातन धर्म में जो उत्कृष्ट दृष्टि है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हमारी संस्कृति की दृष्टि है। गर्भ से पति पत्नी में ही पहले धर्म का संस्कार डालते हैं, विवाह हमारे संस्कार है, भोग नहीं है, ये रजिस्ट्री नहीं है, एक धर्म संस्कार है कि एक पत्नी के जीवन में एक ही पति रहे, एक पुरुष के साथ उसका संबंध रहे, एक पुरुष के जीवन में एक पत्नी रहे और उसी के साथ उसका संबंध रहे। धर्म का उल्लंघन करना उचित नहीं होता। विवाह के द्वारा जब देवता के समक्ष अग्नि की परिक्रमा करके, मंत्र पढ़कर, जब दोनों के हृदय में ये संस्कार डाला जाता है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, जब मंत्र पढ़ते हैं कि हम
हमारा और तुम्हारा हृदय एक है, हमारे तुम्हारे विचार एक हैं, एक दूसरे से मिलकर जीवन भर चले, ये मंत्र पढ़े जाते हैं विवाह में। और मयाते संतु जरदष्टयः, हम एक साथ बुढ़े हों, तो दीर्घायु की भी कामना और साथ रहने की भी कामना, वृद्धावस्था तक की कामना, वो सब संस्कार के संकल्प में भर दी जाती है। जब बच्चा होता है तो गर्भाधान के दिन भी पहले संस्कार होता था, तो मंत्र पढ़े जाते थे, हवन होता था। हमने तो काशी में महामहोपाध्याय पंडित श्री लक्ष्मण राज शास्त्री द्राविड़ के घर में देखा, राजेश्वर शास्त्री का विवाह हुआ था, उनके घर में गया किसी कारण से, तो मंगल गाया जा रहा था, होम हो रहा था, तो ये क्या है, काज गर्भाधान संस्कार है। फिर दूसरे तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार होता है, पुत्र की उत्पत्ति हो। सातवें महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, जिसमें पति या पत्नी को ये पूरी तरह से आश्वस्त करता है, उसके सिर में तेल लगाकर, कंघी करके, पत्नी की पूरी सेवा करके, कि जब तुम्हारे बालक होने का समय आवेगा और तुम अपना काम करने योग्य नहीं रहोगी, तो उस समय मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक ठाक रखूंगा। सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, तो जन्म लेने पर जात कर्म संस्कार होता है, मंत्र पढ़ते हैं, अंगाद अंगाद संभवसि हृदयाद अति जायसे आत्मा वै पुत्र नामासि सजीव शरदाम सतम। बेटा तुम मेरे एक एक अंग के रस से निकले हो, तुम मेरे हृदय के ही एक पिंड हो, मेरे हृदय के विचार आचार संस्कार तुम्हारे जीवन में आए हैं, मेरे आत्मा का ही अब नाम पुत्र रखा जा रहा है, तुम्हारे रूप में मैं ही प्रकट हुआ हूँ, तो 100 वर्ष तक जीते रहना, 100 शरद देखना, ऐसे मंत्र पढ़े जाते हैं। नामकरण होता है, जिसमें ऐसे बढ़िया नाम रखते हैं, जैसे भरत है, जैसे भरत नाम रखा, तो ऋषभ देव के पुत्र भरत का कितना बड़ा साम्राज्य था, और वे कैसे लोकोपकारी राजा थे, ये नाम रखा जाएगा। तो जब वो पता लगाएगा कि मेरा नाम भरत क्यों रखा गया, तो उसको भरत की कथा सुननी पड़ेगी। अथवा रामचंद्र के भाई का नाम भरत है, वो अपने बड़े भाई से कितना प्रेम करते थे, छोटे भाई से कितना प्रेम करते थे। अथवा भरत दुष्यंत के पुत्र का नाम है, तो वो कितना वीर था कि बाल्यावस्था में ही सिंह को बांध के रख लेता था, और उसने 50 यज्ञ जाग किए थे। तो ये जो पूर्वजों के नाम पर नाम रखा जाता है, तो नामकरण संस्कार होता है, उसके भी कई मास के संवत्सर के हिसाब से नाम होता है, मास के नाम से होता है, और नक्षत्रों के ओर से होता है, तिथियों के कारण होता है। तो ये सब संस्कार हैं जो मनुष्य के जीवन में आगे चलकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इन्हीं को अपनी शास्त्रीय रीति से, सनातन धर्म की रीति से संस्कार कहते हैं। उसमें देश का प्रभाव, काल का प्रभाव, परंपरा का प्रभाव और
पूर्व जन्म का प्रभाव, विद्या का प्रभाव, कर्म का प्रभाव, प्रज्ञा का प्रभाव सभी हमारे संस्कृति के अंतर्गत ही आता है। इसमें किसी प्रकार की संकीर्णता शास्त्रीय दृष्टि से नहीं रहती। अब लोग अपने अपने स्वार्थ संगति के अनुसार उसमें जो गुण दोष हैं उसका विचार करते हैं और धारण करते हैं। ओम शांति। भारतीय संस्कृत को शाश्वत सनातन क्यों कहा जाता है? वह अच्छे पुरातन होते हुए भी नवजीवन कैसे बनी रहती है? होने का क्या रहस्य है? ऐसा है कि जो मूलभूत सत्य हैं वो तो हमेशा सत्य ही रहते हैं। जैसे सच बोलना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, दूसरे की माल को हड़पना नहीं और ब्रह्मचर्य से रहना, आवश्यकता से अधिक परिग्रह नहीं करना, ये सब तो सनातन सत्य हैं जो किसी भी संस्कृति के मूल रूप होते हैं। तो बाहर की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, परंतु जो मूल तत्व हैं वो तो सब में एक ही रखने पड़ेंगे। अपनी अपनी शैली से, अपने अपने ढंग से उनको कार्यान्वित किया जाता है। तो आप नवीकरण जो है उसको पहले प्राचीन को समझ लें। मूल बात यह है कि जो विज्ञान है, साइंस है, उसमें नए नए आविष्कार होते हैं और उनके अनुसार उसको लागू करना पड़ता है। और ये जो धर्म है ये तो आत्मा का मूल स्वरूप है। इसको हम प्राचीन काल की दृष्टि से ये प्राचीन नहीं है, बल्कि अनुभव की दृष्टि से प्राचीन है। ये बात साधारण लोगों की समझ में नहीं आ सकती। हम जब नींद में होते हैं तब कैसे शांत होते हैं, नींद टूटती है तो हमारा स्वरूप वासना शून्य कैसे होता है? हमारे मन में विकारों के उदय के पूर्व और विकारों के शांत हो जाने के अनंतर कैसी स्थिति होती है, इन सब बातों को देख करके, अनुभव करके तब संस्कृतियों का, परंपराओं का निर्माण किया गया है। तो ये जो दृष्टा आत्मा है यही सबसे प्राचीन है अपने अनुभव में। जब आंख सोती रहती है, जब मन सोता रहता है, जब बुद्धि भी जागी हुई नहीं होती है, बुद्धि मन और इंद्रियों के जागरण के पूर्व जो ज्ञानात्मक अपना स्वरूप नित्य जागृत रहता है वो सबसे प्राचीन है। प्राचीन है माने सबसे पहले है। तो जब हम संस्कृति के स्वरूप पर विचार करते हैं तो वहीं से अपने आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके उसी के अनुरूप क्रियाकलाप अपने जीवन में निश्चय किया गया है और निश्चय करना चाहिए। तो आप नवीकरण करते समय इस पर ध्यान रखें कि आपका ये नवीनीकरण सत्य से कहीं दूर न जा पड़े, अहिंसा से दूर न हो जाए, अस्तेय से दूर न हो जाए, ब्रह्मचर्य से दूर न हो जाए, त्याग तपस्या से दूर न हो जाए,
हमारे जीवन में जो इंद्रियों का संयम है उससे दूर न हो जाए, क्योंकि आत्मा के निकट यही सत्य अहिंसा अस्तेय रहते हैं। केवल बाहर बाहर की वस्तुओं का ही सबसे बड़ा मूल्य नहीं होता है, सबसे अधिक मूल्य तो अपने उस हृदय का, अपने आत्मा का होता है, जो कभी हमको छोड़कर अलग नहीं जाता न जा सकता है। इसलिए प्राचीनता को आप काल की यादि में ढूंढने के लिए न जाएं कि अब से 5000, 10000, 20000 बरस कैसी प्राचीनता थी। प्राचीनता के मूल को जब अपनी अंतरात्मा में ही आप ढूंढेंगे तो देखेंगे वो सनातन सत्य के रूप में विराजमान है, और वो कभी पुराना पड़ता ही नहीं, नित्य नया ही रहता है। और यदि उस दृष्टि से आप अपनी संस्कृति और विकृति को नापेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये आत्मा के अनुरूप है, अनुकूल है, तो ये उच्च कोटि की संस्कृति है, और ये आत्मा के स्वरूप के विपरीत है, जिससे लोभ बढ़ता हो, जिससे काम बढ़ता हो, जिससे क्रोध बढ़ता हो, जिससे मोह बढ़ता हो, वो हमारे आत्मा के मूलभूत स्वरूप के विपरीत होने के कारण विकृति है, और जो क्रिया हमारे आत्मा के निकट लाती हो उसका नाम संस्कृति होता है। संस्कृति माने हीरे को रंगना नहीं, संस्कृति माने हीरे को चमका देना। तो ये प्रत्येक जीव अपने मूल रूप में नितांत प्रकाशमान है, ये ऊपर से जो विकृतियां आ गई हैं उनको धोना पड़ता है। आप बहुत छोटे मोटे रूप में यदि संस्कृति का अर्थ लेते हो तब तो बात दूसरी है, हम उसकी भी चर्चा करें कि गणेश की पूजा आरंभ में क्यों करनी चाहिए, और अब उसका नवीनीकरण हो तो किस प्रकार से हो, और नारायण खान पान कैसा रखना चाहिए, और वो पुराने ढंग का ठीक था तो उसको चालू कैसे रखा जाए, अब तो बहुत समय बदल गया। तो इन बातों पर भी विचार कर सकते हैं संस्कृति के नाम पर जो मूल तत्व है संस्कृति का, वो है अपने आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़े हुए हैं, जो विकृतियां आ गई हैं, उनको दूर करके अपने स्वरूप को चमकाना। तो अब उसको जातीय स्वरूप को चमकाना और वैश्विक स्वरूप को चमकाना, सांप्रदायिक स्वरूप को चमकाना या मानवता के स्वरूप को चमकाना, ये बात जो है वो अलग है। और यदि प्रणाम कैसे करना और ये पूछना हो तो वो भी एक संस्कृति है और जीवन में आवश्यक है। मनु जी ने लिखा है कि प्रणाम करना हो तो दाहिना हाथ दाहिने पांव और बाएं हाथ बाएं पांव पर जाए, और पांव के नीचे तलवे तक का स्पर्श करे दाहिना हाथ दाहिने पांव का और बाएं हाथ बाएं पांव का, माने उलट जाएंगे दोनों सामने बैठे हुए, और हाथ उतान होना चाहिए माने हथेली ऊपर होनी चाहिए, पांव के नीचे हथेली ऊपर होनी चाहिए, जैसे हम इन चरणों में से कोई शक्ति लेना चाहते हैं, और जिससे जिसको प्रणाम कर रहे हैं आशीर्वाद लेना चाहते हैं उसके दिमाग पर कोई बोझ न पड़े कि ये कौन है, पहले ही बता देना चाहिए कि अमुक गोत्र के और अमुक के पुत्र अमुक नाम वाला मैं हूँ, अमुक गोत्र अमुक पुत्र अमुक नाम हम भो भवंतम अभिवादय,
और वो जो आशीर्वाद है उसका वो आयु और विद्या यश और बल को बढ़ाने वाला होता है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जिसको प्रणाम करने का अभ्यास है माने झुकता है, विनय है। हमने देखा पहले लोग ऐसे प्रणाम करते थे, फिर हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि आपकी आज्ञा के अनुसार हम काम करेंगे। ये हाथ आपके पास जुड़े हुए हैं, इस समय किसी काम में लगे हुए नहीं। आप जो आज्ञा करेंगे सो हम करेंगे। सिर झुकाने का अर्थ होता है कि हम आपकी बुद्धि से बुद्धि मिलाकर, हमारी बुद्धि आपकी बुद्धि के सामने झुक रही है, मैं चलूंगा। साष्टांग दंडवत का अर्थ है मैं संपूर्ण जीवन अर्पित कर रहा हूं। अब इसका नवीकरण हो गया तो झुकने की जगह हाथ जोड़ना हो गया। अब सिर नहीं झुकाते हैं, जरा तान देते हैं सिर पे, और फिर दोनों हाथ से एक हस्त प्रणाम हो गया, यों करने लगे। अब ये भी छूट गया तो यों करने लगे, और फिर ये भी छूट गया तो हाय हाय बोलने लगे। तो अब नवीकरण की प्रक्रिया यदि किसी भाव से होवे तो ठीक है, उसमें क्या दृष्टिकोण है वैसा करने में, और केवल नएपन के लिए होवे या दिखावा मात्र के लिए होवे तो उसकी गति मति दूसरी प्रकार की होती है। संस्कृति वो है जो हमारे हृदय को समार करके और लोकोपकारी लोक हितकारी बना दे, उसको संस्कृति कहते हैं। ओ सर, सांस्कृतिक दृष्टि सामाजिक जीवन व्यवस्था को प्रभावित करती है अथवा उत्पादन के बदलते हुए साधनों के द्वारा सांस्कृतिक दृष्टि का निर्माण होता है।